नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन तोगड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ खास बात करने वाले हैं, कबूतर के बारे में बात करने वाले हैं कि कबूतर के पैर क्यों फैल जाते हैं। हमारे पास भी एक ऐसा ही कबूतर है जिसके पैर फैले हुए हैं, और वैसा कबूतर नहीं है, जंगली कबूतर है। वैसे कि मुझे कहीं पड़ा मिला था, ये बच्चा था, बिल्कुल छोटा ही था, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है। ये है, और अब तो बड़ा हो गया है। इसके पैर बिल्कुल ही फर्श पे ऐसे फैले हुए थे, ऐसे बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो रखे थे। तो आज से हमने इसका इलाज शुरू करा है। अगर आपके भी, पहले तो आपको जानकारी बता दें कि इनके पैर क्यों फैलते हैं। जब तक इनको सही तरह से प्लान पे आप पेटी पे रखोगे, पेटी में रखोगे बंद, तो उसमें पैर फैल जाते हैं। इसको बाउल में रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि बाउल में इनके पैर ऐसे जम जाते हैं। अगर आप पेटी में रखोगे, इनके पैर नहीं जमते और ये ऐसे पैर ऐसे रखते हैं, तो वो जैसे ही बड़े होते रहते हैं तो इनके पैर ऐसे ही बिल्कुल फैले रहते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि इनके पैर क्यों फैलते हैं, और दूसरी बात इनका घरेलू उपाय क्या होता है कि इनका इलाज कैसे होगा। जैसे कि मैंने ये पहले से इसका इलाज कर रखा है, देख सकते हो, ये मैंने इलाज आज से स्टार्ट करा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें दो तीन तरीके बताऊंगा मैं आपको, ताकि इनके पैर सही से ठीक हो सके। पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें जो कि जैसे बैंड हो रखे, पैर ऐसे हो रखे थे, अब तो मैंने दिए हैं, अगली वीडियो में आपको दिखा दूँगा कि पैर इसके कैसे हैं। बाकी पहले ऐसे पैर हो रखे, दोनों पैर बिल्कुल छत्ती होती है, इसकी बल चलता है, ये पैर तो बिल्कुल टेकता ही नहीं है, नीचे उड़ने की भी कोशिश करता है पर उड़ नहीं पाता, अभी तो बच्चा ही है। तो पहले तो क्या करना है कि हमें एक बैंडेड ले लेनी है, बाज़ार से 2 या 2.5 रुपये में आती है बैंडेड। इसको हमें पहले क्या करना है, इसके जो यहाँ पैर है ना, ये जोड़ घुटनों से ऊपर जो पैर हैं, इन पैरों पे हमें क्या है, बैंडेड लगा देनी है। आप देख सकते हैं मैंने बैंडेड लगा रखी है। दूसरा जो ये घुटने हैं, घुटनों के बीच में कुछ, मतलब इतना गैप छोड़ के उसमें कुछ भर देना है, और ऊपर से एक बैंडेड और लगा देनी है। देख सकते हो आप, इसमें मैंने ये पट्टी भर रखी है ताकि इसको मतलब महसूस ना हो। ये 8 से 10 दिन तक मैंने इसको बांधनी है, 8 से 10 दिन के बाद में इसके पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और ये चलने फिरने लग जाएगा। तो एक तरीका और है दोस्तों इसके पैर सीधे करने का, हमें क्या करना है कि इसके जो पैर हैं इसमें छल्ले आते हैं इसके छोटे छोटे, जो कि हम पंजेब भी बोलते हैं इनकी, तो उनको एक इस पैर में डाल देना है, एक उस पैर में डाल देना है, तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी जो हमने बैंडेड लगा रखी है, इसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक छल्ला इसमें डाल देना, एक छल्ला उसमें डाल देना, इतना ही गैप रखना है जितना हमें इसमें बताया गया था, थोड़ा सा इतना गैप रखना है बीच में, और इस साइड से धागा बांध दो और उस साइड से धागा बांधना है, छल्ले को धागा बांधना, पैर को नहीं बांधना, इस छल्ले को धागा बांधना और इस छल्ले को धागा बांधना, इसमें गैप रखना है। और इसको आप 10 दिन के लिए कम से कम बांध के रखना है, 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि कितना फ़र्क लग जाएगा, बिल्कुल पैर ठीक हो जाएंगे। और इसको आपको एक काम और करना पड़ेगा, इसको आपको कैल्शियम की गोली आती है, 350 mg की गोली होती है, उस एक गोली में से 1/8 भाग इसको डेली देना होता है, दिन में एक बार 1/8 हिस्सा। जब मतलब कि आप 8-10 दिन के लिए इसके पैर बांधोगे, तब तक आपको इसको 1/8 हिस्सा दवाई का देना होगा, और ज़्यादा दोगी तो तकलीफ़ हो जाएगी, ज़्यादा नहीं देना हमें, कहीं ये सोचे कि जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक होगा नहीं, जल्दी पधार जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आपको ये करना है, आपको 2 तरीके मैंने बता दिए हैं, और कोई नया तरीका हमारे पास होगा तो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक। दोस्तों ये बहुत ही परेशान था इससे, मतलब चल फिर नहीं सकता था, तो इसका मतलब आप इसको पेटी में बिल्कुल ना रखें, जैसे कि चिकना फर्श होता है या चिकनी पेटी होती है उस पर बिल्कुल ना रखें इसको, नहीं तो आपके कबूतर के पैर हैं ऐसे फैलने शुरू हो जाएंगे। और देख सकते हो आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप
ऐसा आप बाउल लेके आ सकते हो। इस बाउल में ये अच्छे से मतलब टिक सकेगा, ऐसे बैठ सकेगा, ठीक है। इसमें अच्छे से बैठ जाएगा ये, और इसके पैर भी सही तरह से टिक जाएंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बैठा हुआ है। और मैंने तो इससे भी अच्छा इसका प्रबंध किया हुआ है। आप देख सकते हो ये मैंने इसका घोंसला बना रखा है, देख सकते हो आप। और इसमें बहुत ही अच्छे से बैठ सकता है ये, देख सकते हैं। आप भी बना सकते हैं ऐसा घोंसला। कुछ गीली लकड़ियाँ लेके आनी पड़ेंगी आपको, सूखी लकड़ी का हमें नहीं बनाना है। अगर सूखी लकड़ी का हम बनाते हैं तो ये मतलब कि अच्छे से शेप में नहीं आएगा। ये तो कबूतर ही करेंगे ऐसा काम, यही बना सकते हैं ऐसे सूखी लकड़ी का। तो हमें गीली का बनाना है ताकि अच्छे से इसमें जम जाए। देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छा बना रखा है। और इसी में मैंने ये इसमें से बाउल में रखा हुआ है, देख सकते हो। ये बाउल में रख के और इसमें ऐसे बिठा देता हूँ तो ये आराम से इसमें ऐसे बैठ जाता है, देख सकते हो। ऐसे बैठ जाता है ये इसमें, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है वैसे देखने में भी। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक ये पेटी ऐसी ला रखी है, ये पेटी इसमें रखता हूँ मैं इसको, देख सकते हो। इसमें मैंने घोंसला बना रखा है। तो आप भी ऐसा घर पे घरेलू इलाज कर सकते हैं कबूतर का। और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे और मैं आपको उस चीज़ का सलूशन बताऊंगा। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं घोंसला बना के दिखाऊँ आपको, तो वो भी बना के दिखा दूँगा। तो अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।